दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और पुलिस कमिश्नर दोनों के बीच ठन गई है, लेकिन लगता यह है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सारी मर्यादाएं ताक पर रख चुके हैं। बेईमानों को सीखना होगा कि ईमानदारों के ऊपर में उंगली उठाएंगे तो उनकी पांच उंगलियां उनकी तरफ वापस जाएंगी। प्रचार अगर किया जा रहा है तो उस प्रचार का पूरा जवाब दिया जाएगा डंके की चोट पे। अरविंद केजरीवाल से आप बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर घोटाले और घपले का आरोप लगेगा तो बहस आप करोगे? अगर सोमनाथ भारती के ऊपर आरोप लगा तो आप सोमनाथ भारती अपने आरोप को लेकर आपसे बहस करने के लिए तैयार है? चलो किसी चौराहे पे बैठो। सीपी दिल्ली जो है चुपके काम नहीं कर सकता, सीपी दिल्ली सड़क पे खड़ा होकर काम करता है। हर काम के अंदर में जो है बेईमानी हो सकती है, जिंदगी के अंदर में बेईमानी नहीं किया ना ही करूंगा, और ना ही कोई मेरे को अगर बेईमान कहने का प्रयास करेगा उससे डरूंगा। बेईमानों को बेईमानों के कब्रिस्तान में लेके जाऊंगा। आपने आईपीएस की नौकरी की है, आप जनता की सेवा के लिए रखे गए हैं, आप जनता के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, आप जनता के नौकर हैं। मालिक इस देश की जनता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना कि आप कब्रिस्तान में भेज देंगे, इसका मुंहतोड़ जवाब आम आदमी पार्टी देने के लिए तैयार है। डंके की चोट पे मैं कह सकता हूँ, दिल्ली पुलिस का एक भी अफसर ये कह दे कि बस्सी साहब ने कभी अपने भाई के लिए कभी कहीं सिफारिश की। तो ये है कि उसको आप बड़े मजे से छापना। छोटे छोटे मामले में आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के वाले बीएस बस्सी, छोटे छोटे मामलों में उन पे कार्रवाई करके उनको जेल भेजने वाले बीएस बस्सी, अपने भाई के ऊपर एक जिम्मेदार डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल का अधिकारी अगर शिकायत कर रहा है तो आज तक आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की? कोई बेईमानी का इल्जाम लगाता है, खुद बेईमान है, मैं तो ये कहूँगा, और मैं इस प्रकार के बेईमान व्यक्तियों की बेईमानी को सबके सामने जाहिर भी करूँगा, और मैं बेईमानी करने वालों को बख्शूंगा नहीं। नेताओं की तरह और पुलिसिया गुंडों की तरह भाषा बोलना बंद कीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है कि आप दिल्ली में अपराध रोक सकें। आपकी पुलिस पूरी तरीके से अवैध वसूली करने में रेड़ी पटरी वालों से व्यस्त है।